जय हो, बहुत बहुत जय हो। और इस समय में जहाँ मैं मौजूद हूँ वह काल भैरव की गली, जहाँ पे वो रोड शो के दरमियान यहाँ पे अंतिम उनका पड़ाव होगा प्रधानमंत्री का। और तमाम सारे लोग अभी से तैयारियों में हैं। कोई पूछ रहा है कि कितने बजे, कहाँ पे, कब आएंगे। बहरहाल जो बहुत दूर दूर से लोग हैं, कहाँ से हैं आप? आप तो वही मेरे बगल के पड़ोसी निकल आए। देखिए वो वहाँ पे अरुणा जी मौजूद है वहाँ पे स्टूडियो में, और हमारी एंकर है वो जी वहाँ मौजूद है। सब तमाम सर सबीना भी मौजूद है वहाँ पे, और सबसे बातचीत। देखिए सफाई वफाई का काम थोड़ा सा, अरे आराम से जो जाने दीजिए। सकरी गलियां हैं और बनारस में उसी का लुत्फ है, मजा है। प्रधानमंत्री को देखने आई हैं? हैं, क्या नाम? मुन्नी काशी। हाँ, काल भैरव। अच्छा, काल भैरव। हाँ, हम भी है। हाँ, नहीं तो ये जगह काल भैरव है। हाँ, आप? मनोज पांडे। कहाँ से? काशी से। हाँ, काशी बनारस समझ के, तो रास्ता निकालो, बनाते रहो, चलते रहो। तो बोलिए, हर हर महादेव। देवेंद्र जोशी प्रयागराज। प्रयागराज से आए हैं आज, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ मौजूद हैं। और हाँ जी, हैदराबाद से। तो आप प्रधानमंत्री को देखने आए हैं? आइए, देखिए ये थोड़ी भीड़ छट जाए तो फिर मैं आपको मजा दिखाते हैं यहाँ पे बनारस की गली का। आदित्य प्रकाश बिहार से। हाँ, कहना जरूरी है। कहाँ से हैं वो बताना जरूरी है, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर। छत्तीसगढ़ से आए हैं। छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। कहाँ छत्तीसगढ़ से? दुर्ग से। राजनांदगांव से आए। ये देखिए पक्का बनारसिया है ये। चुपचाप खड़े हैं, क्या करें? का है? तो बिक्री ज्यादा है, का है सन्नाटा है। ये तुमका सन्नाटा दिख रहा है? क्या? अच्छा, आपको देखने चक्कर में खड़े हैं। हमारे देखने चक्कर में नहीं, सवेरे बूटी खा लिया क्या? सुबह शाम को खाते हैं, शाम का बूटी खाते हैं। बहरहाल पाजी, बूटी का मतलब यहाँ बनारस में अलग है, लेकिन बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं ये भैया। क्या नाम? बटुक कुमार यादव। बटुक, देखिए भैरव के जो अष्ट भैरव है उसमें एक बटुक भैरव भी है, तो ये खुद बटुक है। जय हो। तो चाय बहुत बढ़िया बनाते हैं, दही में इनकी मलाई बहुत बढ़िया। और ये मलाइयो पंद्रह साल पहले खाए। वही राज है आपका कि 15 साल में अभी भी आपकी वो जो जवानी है बरकरार है। मलैया तो कहाँ से? बात भी करते रहे, जिस मकसद से आए हैं वो भी बात करते रहे। तो कहाँ से आना हुआ? गुजरात से। अहमदाबाद से। केम छो? मजामा। तो ये बता। हाँ, सूरत से। हाँ, बहुत अच्छे। तो बैंगलोर से। तो उधर कर्नाटक में क्या है इस बार चुनाव में? कर्नाटक में बहुत अच्छा है। किसका? 400 के पार है। रुकिए, आप तो गुजरात वाला है ना? तो अभी उधर कर्नाटक जरा थोड़ा, फिर इधर देख के इधर आए। बात है, उन्हीं के समर्थन में है हम। उन्हीं के समर्थन में। अरे कहाँ से? जूनागढ़। हमारे। अच्छा, वहाँ मैं समझ गया। हम साथ में हैं। जी, अरे हाँ, तो मैं ये पूछ रहा था कि मोदी जी को देख के ही जाएंगे? मोदी जी आज शाम को आने वाले हैं। आज आने वाले हैं। तो उनको देख के ही निकलेंगे आप? हम तो कितनी बार मिले, हमारे गुजरात का बंदा है वो तो। कितनी बार मिले गुजरात में, उसके साथ में सामने सामने बात भी किया, चाय भी पिया। अच्छा, एक बार हमारी भी बातचीत कराओ। हमारे एक एंकर तो कल बातचीत कर लिया, उनका इंटरव्यू चल गया। एक बार मेरी भी बात करा, बड़ी इच्छा। चलो आ जाओ गुजरात में मेरे साथ। सही बोल रहे हो ना? सही बोलता हूँ। अरे यहाँ तो झूठ कोई नहीं बोलता। नहीं, तो फिर हम आएंगे। मलैयो, आए हाय, मलैयो खा रही हैं आप? इसको 15 साल इसका असर रहता है। 15 साल इसका असर रहता है खाने में, को मन करता है जी। तो और मोदी जी? मोदी जी नहीं, हम तो सबके राष्ट्रीय प्रेम करते हैं, राष्ट्रीय प्रेम के मोदी जी से प्रेम करते हैं। नहीं, इस बार चुनाव में कुछ बोलेंगे कि मलैया खान? कुछ बोलने की जगह नहीं, मोदी है सब। विरोध पक्ष में कोई रहा ही नहीं है। मोदी। हाँ, कहाँ से? बीएचयू से। अच्छा, तो क्या मसला है यहाँ पे बताओ भाई? मोदी चुनाव में क्या है, क्या रहे? मुद्दा नहीं है, केवल मोदी, केवल 500 पार। हर दिन में मोदी। बहरहाल मैं आपको बताऊं, वो जो लंका है जहाँ पे ये लोग थे बीएचयू वाले, वो एक सिरा है रोड शो का, और ये अंतिम सिरा है रोड शो का जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। ये काल भैरव की गली बड़ी ऐतिहासिक है,
और ये कहा जाता है कि ये नगर कोतवाल है, इनके बगैर दर्शन किए कुछ भी हासिल काशी में नहीं होता। विश्वनाथ का दर्शन करना है। हाँ जी, दो कड़ी कड़ी गाना। अरे सारी इच्छाएं पूरी करने वाला तो वो है, तो मैं तो बस सिर्फ एक साधन हूँ, सीढ़ी। तो बताइए, गाइए। नमस्ते, गाना सुनना है। हेलो, खड़ी है। हेलो, हाँ बोलो। हेलो, क्या काशी को जी काशी को बनाना है, मोदी को जिताना है, योगी जी आएंगे मोदी को साथ ले आएंगे, मोदी को जिताना है, काशी को बनाना है। ये गजल का बहुत पुराना मीटर है जिस पे आपने अपनी बातें सेट कर। क्या नाम है? गौतम। धीरे बोलो, हमसे ज्यादा तेज काहे बोल रहे हो? आपको देखकर जोश चढ़ गया। अच्छा, गर्मी में भैया जी है। हाँ, भैया जी तो क्या करते हो भैया? अभी तो फिलहाल पढ़ाई करते हैं। अच्छा जी, करो फिर पढ़ाई मन से करना, लेकिन है ना। हाँ बढ़िया। और बाबूजी कहाँ से आए? छत्तीसगढ़, रायगढ़ से। तो वहाँ चुनाव में क्या रहा इस बार, कुछ बताएंगे थोड़ा? वहाँ छत्तीसगढ़ में 11 में से 11 सीट बीजेपी की हैं। अच्छा, और आप किस सीट से हैं? मैं बीजेपी से हूँ। नहीं नहीं, अच्छा आप बीजेपी से हैं, तब तो 11 में 11 देंगे ही आप। नहीं नहीं, मैंने पूरा भारत का भ्रमण किया है। अच्छा, कहाँ कहाँ गए? ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, दिल्ली, मध्य प्रदेश। हाँ। और मेरा सबसे ज्यादा फंसा हुआ चुनाव कहाँ लग रहा है? राजस्थान में क्या है इस बार? राजस्थान में 25-25 बीजेपी का। अच्छा, और गुजरात में 26-26 बीजेपी, हिमाचल में 4-4, उत्तराखंड में 5-5 बीजेपी, दिल्ली में कंजरवाल चला गया, केजरीवाल। केजरीवाल नाम साफ बोलना चाहिए और स्पष्ट बोलना चाहिए और शुद्ध बोलना चाहिए और ठीक से बोलना चाहिए। देखिए साहब, आप उम्र में मुझसे जरूर बड़े हैं, लेकिन मैं आप फिर बात ही नहीं करते। फिर जो नाम बिगाड़ता फिर मैं उसका बात नहीं करता, इसलिए क्योंकि मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ। जब मैं आपकी इज्जत करता हूँ तो दूसरे की भी इज्जत होगी। मैं ये बोलना चाहूंगा कि वो देशद्रोही और गद्दार आदमी है। देखिए ठीक है, देशद्रोही कहने से पहले सोचा करें, जरूर सोचा करिए। ठीक है, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल हो। और आपका आकलन, मेरा नाम भी मंगल है। हाँ हाँ, मैं समझ गया था, आप जो है मंगल के अलावा नहीं हो सकते। जी कैसी हैं आप? अच्छी हैं। अरे तो ये गली का एक मैंने आपको दिखाया, लेकिन ये बताएं, ये गली आके थोड़ा सा यहाँ पे खुलती है और उधर तो देखिए अब बहुत जबरदस्त भीड़ है। पाजी उधर दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी गली आके खुल जाती है जहाँ पे मैं इस वक्त मौजूद हैं। तमाम सारी पुलिस, तमाम सारे एजेंसीज के लोग लगातार यहाँ पे इंस्पेक्शंस और सिक्योरिटी के तमाम सारे अरेंजमेंट्स यहाँ पे हैं। शाम को जब वो 6 बजे जी, हाँ जी, बम डिस्पोजल स्क्वाड, जी बम डिस्पोजल स्क्वाड। तो आप सुबह से आज तैनात हैं? जी जी, कल से। कल से? जी जी। हाँ हाँ, तो 12 से 14 तक। 12 से 14 तक बड़ा टाइट और विजिलेंट है ना? बिल्कुल बिल्कुल जी, बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। मुझे मालूम पानी नहीं पीते रहिएगा। चारों तरफ सारी व्यवस्था है पानी की। हाँ, तो क्योंकि गर्मी भी बहुत है और उमस भी बहुत है। जी जी, तो कुछ कहना चाहेंगे, लोगों से अपील करना चाहेंगे? नहीं, सब बढ़िया है। आइए और देखिए और दर्शन कीजिए। हाँ जी जी, नमस्कार। नमस्कार, कहाँ से? बस यहीं से बना।